हाँ, तो अब लास्ट क्या क्या किया? स्ट्राइडल, स्ट्रैंगल्स, स्ट्रिप, स्ट्रेप, बुल, बियरिश एंड लास्ट है बेटे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई थोड़ा सा टेक्निकल है और बस कॉन्सेप्ट एक बार समझाऊंगा, पर मेन है जो क्वेश्चन आएगा ना उसके लिए हम तैयारी कर लें, ठीक है ना? समझने की कोशिश करना। देखो, ऐसा कोई डायग्राम याद करो बेटा, ऐसा कुछ बनाया था अपने पे ऑफ किसी चीज का, ऐसा होता था ये और ये। हाँ सर, ये स्ट्रैडल है, एक एक्सरसाइज प्राइस। और याद करो ऐसा भी हो सकता था, ऐसा होता था। हाँ, ये स्ट्रैंगल है, कितने बार घूमा है? दो बार घूमा है। सुनना ध्यान से एक बात, अगर एक बार घूम रहा है यहां से यहां टर्न हो गया तो एक्सरसाइज प्राइस एक ही होगी, पर यहां दो बार घूम रहा है तो एक्सरसाइज प्राइस कितनी होगी? दो। सिंपल सी बात है, यहां बताना ये बोलो कितने पॉइंट में घूमा है? दो बार, तो एक्सरसाइज प्राइस कितनी होगी? दो। हालांकि वो बुल है, ये स्ट्रायंगल है, ये स्ट्राइडल्स, लेकिन अब मैं कुछ और समझाना चाहता हूं आपको, इसको अभी इग्नोर कर रहा हूं। ये बताओ कि स्ट्राइडल क्या बोलता है? सर, स्ट्राइडल्स ये बोलता था कि आपको लग रहा है कि वाइड फ्लक्चुएशन होने वाला है, या तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वॉलेटाइल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, या तो प्राइस बहुत ज्यादा कम होगा, कुछ ना कुछ तो मार्केट में होगा। तो याद करो हम क्या, हम कॉल और पुट दोनों एक ही एक्सरसाइज प्राइस पे खरीद लेते थे, ठीक है? या तो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो कमा लेंगे, या तो पूरा डाउन हो जाएगा तो कमाएंगे। लेकिन एक बात है, बहुत ज्यादा का मतलब कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन होगी। आज शेयर का प्राइस मान लो 500 है, मुझे लग रहा है कि 3 महीने बाद 5000 हो जाएगा तो बेवकूफी भाई। ठीक है, बढ़ेगा, पर बहुत ज्यादा थोड़ी ना बढ़ना, कहीं ना कहीं लिमिटेशन होगी। तो उसको उस ये जो मेरा मैं जो सोच रहा हूं ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ना तो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा कम होगा बहुत सारा, ना तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ेगा कम होगा, पर कहीं ना कहीं लिमिट होगी। तो हम लोग ना अब इस पे ऑफ को ठीक से देखना और समझने की कोशिश करना। यहां बढ़ने पे अनलिमिटेड फायदा, कम होने पे अनलिमिटेड फायदा, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, और कॉस्ट ये दिख रहा है कि इतना रुपया मेरा प्रीमियम का जा रहा है, ठीक। अगर इसको मैं ऐसे बना देता हूं, अब क्या समझे इस पे ऑफ से, रेड वाले से? सर, रेड वाला ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो, लेकिन रेड वाले में पैसा कम लगेगा, इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है। यस, कॉस्ट कम पड़ेगा, पर लेकिन सर रेड वाले में तो एक दिक्कत है ना, दिक्कत यह है कि बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो गए और लॉस इधर भी प्रॉफिट लिमिटेड हो गए। हाँ, बस मैं यही समझाना चाहता हूँ, बढ़ेगा तो भी फायदा है, पर बहुत ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, तो भाई मैं एक लिमिटेड कर रहा हूं, और लॉस भी हो, सॉरी प्रॉफिट कम भी हो तो भी प्रॉफिट है, पर लिमिटेड प्रॉफिट है। हाँ, इसकी वजह से मेरा कॉस्ट कम पड़ रहा है, ठीक है? इसका नाम होता है बटरफ्लाई। बस एक बात पूछ रहा हूं, बटरफ्लाई में आपको कितना एक्सरसाइज प्राइस दिख रहा है? 1, यहां घूम रहा है, यहां घूम रहा है, यहां घूम रहा है, ठीक है? तो बटरफ्लाई कब? जब हमको लग रहा है कि प्राइस वॉलेटाइल होने वाला, हालांकि वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल दोनों समझा दूंगा, प्राइस बढ़ने वाला, पर हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं है बढ़ने वाला तो कुछ भी सोच लो कि बहुत बढ़ेगा 5000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। और कम होगा तो भी हम फायदा कमाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। फायदा क्या होगा? जितना स्ट्रैडल का कॉस्ट लग रहा था उससे कम कॉस्ट लगेगा, दिस इज बटरफ्लाई, ठीक है? अच्छा, अब इसको मैं इधर लिखता हूं बटरफ्लाई को, ठीक है? अब इस बात को समझना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। अब बटरफ्लाई है क्या? देखो बेटे, बटरफ्लाई ना दो टाइप का है, और उन दोनों टाइप को मुझे यहां यूज करना है, आपको समझाना ठीक से समझना। एक बटरफ्लाई ये, ठीक है सर, ये बटरफ्लाई, और एक बटरफ्लाई होता, उल्टा।
अच्छा सर, सर दोनों का नाम क्या है? बेटे ये भी बटरफ्लाई है, ये भी बटरफ्लाई। पर यहां सोचो, आपको अगर प्राइस बढ़ेगा और कम होगा तो फायदा होगा, वोलाटाइल फ्लक्चुएशन पे फायदा। और यहां क्या होगा, आपको फायदा कब मिलेगा? जब प्राइस हिलेगा ही नहीं, यहां फायदा हो जाएगा, लेकिन प्राइस बढ़ेगा और कम होगा तो लॉस हो जाएगा। इसको बोला जाता है नॉन वोलाटाइल। मैं नाम लिख रहा हूं, इसको बोला जाता है वी। वी दिख रहा है ना आपको, वोला टाइल, बटरफ्लाई। और सर ये वाला कौन सा हो गया? इसको बोलूंगा मैं नॉन वोलाटाइल। अच्छा बटरफ्लाई, ठीक है। अच्छा इसको और एक लैंग्वेज बोलते हैं, इसको बोला जाता है सेलिंग बटरफ्लाई। इसको बोलते हैं सेलिंग बटरफ्लाई, या तो आपने बटरफ्लाई बेचा है। और सर इसका नाम होता है आपने बटरफ्लाई खरीदा। ठीक है सर, अब खास बात समझना, कितनी एक्सरसाइज प्राइस दिख रही है? 3। इसका मतलब यहां भी एक्सरसाइज प्राइस है, यहां भी एक्सरसाइज प्राइस है, और यहां भी एक्सरसाइज प्राइस है। नो डाउट ये एक्सरसाइज प्राइस कम है, ये एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा, और ये क्या है, इन दोनों का एवरेज। ठीक है सर, और यहां भी यही सिचुएशन है, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, और ये जो है इन दोनों का इक्वल। करना क्या होता है वोलाटाइल में, हम लोग क्या करते हैं, यहां दो ऑप्शन खरीदते हैं और यहां एक ऑप्शन बेचते हैं और यहां भी एक ऑप्शन बेचते हैं। ठीक, दिस इज बॉडी, ये विंग्स, दो ऑप्शन यहां खरीदोगे। सर ऑप्शन कौन से? कॉल भी पुट भी। ठीक, और यहां क्या होता है, यहां बेटे ये होता है कि दो ऑप्शन बेचते हैं, एक ऑप्शन यहां वाला खरीदते, एक ऑप्शन यहां वाला खरीदते, चाहे कॉल चाहे पुट। अच्छा सर, सर इसको लिख सकते हैं कि अच्छे से? बिल्कुल बेटे, क्या हो रहा है इसमें, बाय टू ऑप्शंस, चाहे कॉल बोलेगा चाहे पुट बोलेगा, बाय टू ऑप्शंस एट एवरेज एक्सरसाइज प्राइस। एंड राइट टू ऑप्शंस एट हायर प्राइस एंड लोअर प्राइस। बाकी सब एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, अभी यहां लिख दें। मतलब अगर वोलाटाइल है तो यहां ऑप्शन खरीद रहे हो, चाहे कॉल हो, चाहे कॉल के विषय में बोले चाहे पुट के विषय में। और यहां क्या होने वाला है, यहां राइट टू ऑप्शंस एट एवरेज एक्सरसाइज प्राइस एंड बाय टू ऑप्शंस एट हायर प्राइस एंड लोअर प्राइस। तो बटरफ्लाई कितने टाइप की होती है? दो। ठीक है, और हमारा चलेगा ईईई, 3 एक्सरसाइज प्राइस है। मेरी बात समझना, वोलाटाइल बोलेगा तो ऐसा पे ऑफ बनेगा, नॉन वोलाटाइल बोलेगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा वोलाटाइल में दो ऑप्शन, यहां एवरेज पे खरीदोगे और यहां बेचोगे, और इसमें ये होगा। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, जरा लिखोगे मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 1, धीरे धीरे बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज प्राइस
8600 ले लो, 8900 ले लीजिए और 9200 ले लीजिए। ठीक है सर, ऑप्शन कौन सा? मान लो पुट ऑप्शन, पुट प्रीमियम भी देना पड़ेगा। यस सर, प्रीमियम कितना कितना ले ले? 80 ले लेते हैं, 80 रुपए, 237 ले लेते 8900 पे, और 480 ले लेते, 480 जा 430 ले लेते, 430 430 रुपए प्रीमियम का देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना आपसे, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्ट वॉलेटिलिटी। ठीक, बोले वॉलेटिलिटी लग रहा है, ठीक है आपको वॉलेटिलिटी, और आपको क्या बनना है वो आपसे बोलेगा क्रिएट। सर वॉलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन है तो स्ट्रैडल कर लेते ना बेटे, स्ट्रैडल नहीं, आपको और एक शब्द बोलेगा, आपसे बोलेगा क्रिएट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। जब भी स्प्रेड शब्द दिख रहा है तो पक्का कुछ खरीदना है और कुछ तो बेचना भी पड़ेगा, तभी स्प्रेड, स्प्रेड मतलब खरीदना बेचना दोनों एक साथ होगा। और इसके अलावा आपसे क्या बोलेगा, पहले पॉइंट पे ये बोला और कहेगा कि पे ऑफ बताइए, पे ऑफ इफ प्राइस कितना हो जाए, 8670 ले लेते हैं, एक प्राइस ले लेते हैं 8910 और एक प्राइस ले लेते हैं 9350। ये हो गया, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि वॉलेटाइल। अब बेटे वॉलेटाइल जैसे ही बोला तो आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या, वॉलेटाइल मतलब होता है सर ऐसा, ये इसका मतलब एवरेज पे आप पुट ऑप्शन हो चाहे कॉल ऑप्शन, एवरेज पर ये दिख रहा है आपको, एवरेज पे क्या करोगे, खरीदोगे। ठीक है सर, मतलब 8900 पे हम खरीदेंगे, यस, और दो पुट ऑप्शन राइट करेंगे, किस पे, 8600 और 9200। अगर ये आया वॉलेटाइल तो आपको तुरंत समझना चाहिए वॉलेटाइल स्प्रेड स्ट्रेटजी मतलब ऐसा जाएगा। ठीक है, बटरफ्लाई है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहला काम, देखोगे यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन में, सबसे पहला काम क्या करोगे, इन वॉलेटाइल बटरफ्लाई बाय हमने खरीदा टू पुट, तो पुट खरीदा तो बोलो पैसा कितना गया हमारे जेब से, कैलकुलेट वो रखा, कितना पैसा गया, दो पुट खरीदने पे हमको प्रीमियम देना पड़ा, और प्रीमियम देना पड़ा 237 × 2, तो प्रीमियम गया 237 × 2, तो ये गया 474, ये प्रीमियम गया। अच्छा आपने राइट किया क्या, वन पुट एट एक्सरसाइज प्राइस कितना, 8600, प्रीमियम आया कितना आया 80, इसके अलावा और क्या किया, राइट वन पुट एट एक्सरसाइज प्राइस कितना 9200, एक ज्यादा एक कम, तो भी प्रीमियम आया 430 आया, तो बताओ बेटे मेरे पास कितना बचा, 430 ये प्लस 80 ये माइनस 474, 36, और 36 मेरे लिए अभी क्या है, दिस इज इनिशियल कैश इनफ्लोस। अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे ये पूछेगा कि बताइए मैक्सिमम
प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कोई शक ही नहीं है, जितना कैश इनफ्लो उतना ही आएगा, ₹36, दिस इज मैक्सिमम प्रॉफिट। और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस हमको मालूम है अच्छे से, मैक्सिमम लॉस मतलब डिफरेंस इन एक्सरसाइज प्राइस माइनस मैक्सिमम प्रॉफिट। एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस बोलो बेटे, कोई भी ले लो, 8,600 9,800 तो कितना आ गया 300 माइनस 36, दिस मैक्सिमम लॉस। और ये निकाल लिया करो, 300 माइनस 36 बेटे तो आंसर कितना आ गया 264। अब जो भी खेल है आपका पे ऑफ का है, और पे ऑफ हमको बनाना ही बनाना, तो अब मैं पे ऑफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लो और ये लो, ये हमें सब बनना ही बनना। अच्छा अब ये बताओ बेटे, अब इसके अलावा हमेशा हम लोगों को काम क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक्सरसाइज प्राइस लिखना। एक तो 8,600 एक्सरसाइज प्राइस है, यस, और एक कितना है 8,900, यस, और एक कितना दिख रहा है हमको 9,200, यस। अच्छा मैक्सिमम लॉस कितने का हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 36, यस, और लॉस कितने का हो सकता है, लॉस हो सकता है 264 का लॉस हो सकता है। और वोलेटाइल है तो पक्का कैसे बनना है ग्राफ, ऐसे तो यहां मैंने डॉट लगा दिया 8,900। पे ऑफ सोचो कितना आएगा बेटे, सिंपल है, 8,900 से इसको फोकस करते, इधर बढ़ना चाहिए तो 8,900, ये तो फिलिंग से आ जाना चाहिए, 8,900 से बढ़ाएंगे कितना 264, 8,900 प्लस 264 तो बेटे ये आएगा यहाँ कितने पे आएगा 9,164 बीपी, और 8,900 से माइनस कर दो 264 तो यहां आएगा बीपी कितने पर 8,636, ये आ गया बीपी। अच्छा एक्सरसाइज प्राइस ये एक है, और एक्सरसाइज प्राइस ये एक है, ये इधर बन जाएगा, ये इधर बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे लाइन को मिलाना है, और मिलेगा ऐसे, यहां से काट दीजिए ये और ये, बस और कुछ नहीं, ये बटरफ्लाई आपका। और वोलेटाइल दिख रहा है, वोलेटाइल इट मींस सीधी सीधी बात है, पे ऑफ बनाइए दिक्कत खत्म। पे ऑफ में मैंने क्या किया, मैंने तीन प्राइस लिखा, मैं जानता हूं वोलेटाइल है तो ऐसे ही होने वाला है तो यहां एक डॉट लगाया, हमेशा एक्सरसाइज प्राइस पे घूमने वाला है तो यहां घूमेगा यहां घूमेगा यहां घूमेगा। अच्छा यहां से इधर इधर, क्योंकि लिमिटेड है, लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट, बात खत्म हो गई। अब क्या करोगे, लिमिटेड प्रॉफिट इधर भी यहां लिमिटेड लॉस है। इसके बाद क्या करें, बीपी निकाला मैंने फिलिंग से, 8,900 यहां पे है भैया, 264 का लॉस है तो बढ़ेगा तो 264 बढ़ा दो, या तो कम होगा तो 264 कम कर दीजिए, दैट्स इट। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर ये 36 है, 8,600 है ना, तो 8,600 में 36 इधर कर दो तो 8,636 हो जाएगा, जैसे चाहो वैसे निकालो। तो ये बना मेरा पे ऑफ। अब क्या है, अब उसने क्या पूछा है, उसने ये पूछा है कि मान लो, अच्छा मैंने क्या किया है, अगर देखा जाए तो मैंने 2p प्लस यहां किया है, और इस पर क्या किया है p माइनस किया, और इस पर भी क्या किया है p माइनस किया, ये काम है। दूसरा पूछा है कि आप पे ऑफ बताइए, प्रॉफिट और लॉस बताइए, अगर 8,670 8,910 और 9,350, तो चलो पे ऑफ निकालते हैं फटाफट से। मेरे ख्याल से ये बना लिया है आप लोगों ने, तो अब इसको मैं मिटा देता हूं, अब मैं सीधा सीधा पे ऑफ निकालूंगा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है कि अगर शेयर का प्राइस 8,670 हो जाए तो, फर्स्ट अगर शेयर का प्राइस 8,670 हो जाए तो, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, तीन एक्सरसाइज प्राइस,
ठीक है, कौन कौन सा? एक है एक्सरसाइज प्राइस 8600, यहाँ मेरा पी एक्सरसाइज प्राइस 8900, 2P+ है, और एक क्या है एक्सरसाइज प्राइस 9200, यहाँ भी P-। अच्छा, 3600 रुपए आ चुका, इतना बात याद रखना है आपको। चलो देखते हैं बेटे, बताओ बताओ बताओ, अगर 8670 पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? जब प्राइस कम होगा। क्या इससे कम है? नहीं, तो यहां पुट क्या हो जाएगा? लैप्स जीरो। और सर यहां एक्सरसाइज होगा कि? यस, एक्सरसाइज हो जाएगा। तो 8900 - 8670, 230 का फायदा, पर 2 है तो 230 × 2 460 का फायदा, यहां भी एक्सरसाइज हो जाएगा 9200 - 8670, पर यहां लॉस हो जाएगा क्योंकि सामने वाला मुझसे ले जाएगा, सामने वाला एक्सरसाइज कर लेगा। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है? ओवरऑल ओवरऑल है 400, ये तो आपको लॉस दिख रहा, ओवरऑल लॉस 530 में से 460 माइनस कर दीजिए, 530 - 460, दिस इज ग्रॉस पे ऑफ, 70 रुपए माइनस में दिख रहा, लेकिन हमको इनिशियल इनफ्लो हुआ है, इनिशियल कैश इनफ्लो कितने का? 36, तो 70 - 36, तो 34 रुपए अभी भी लॉस है, दिस इज नेट पे ऑफ, नेट पे ऑफ। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ है नहीं है, ये तो फटाफट से हो जाएगा। दूसरा प्राइस वो बोल रहा है अगर 8910 हो जाए, तो देख लेते 8910, फिर तीन कंडीशन, 8600 दूसरा, 8900 तीसरा, 9200। अच्छा, यहां पी माइनस है, यहां 2P+ है, और यहां P- है, चाहूंगा क्या इससे कम हो, इससे भी कम हो, और इससे भी कम हो, देख लेते ग्रॉस पे ऑफ निकल के। सर बताओ यहां ऑप्शन एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, कम होना चाहिए ना यार, ये तो ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? लैप्स। और सर ये वाला भी लैप्स हो गया भाई, और सर ये तो लॉस हो गया 9200 - 8910, सामने वाले को फायदा मतलब मुझको लॉस 290, तो क्या नेट पे ऑफ निकल सकता है? यस, नेट पे ऑफ 290 का लॉस है, पर 36 मिल चुका है, तो -36, तो मुझे नेट लॉस हो जाएगा 254 का नेट लॉस दिख रहा। ठीक है, अब तीसरी बात, तीसरा क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं। तीसरा प्राइस बताया है, तीसरा 9350, फिर वही कंडीशन, तीन प्राइस लिख लेते हैं, कितना कितना? 8600 और क्या? 8900 और क्या? 9200 और क्या क्या है मेरा? ये P- है, ये 2P+ है, और ये P- है। पे ऑफ देखते हैं, इससे कम होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए, तो ये तो लैप्स, और सर ये भी लैप्स, और सर ये भी लैप्स भाई, तो नेट पे ऑफ जो मिला वही, मतलब कितना? 36, बात खत्म। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, आए तो नहीं है, पर बेटे कह नहीं सकते कि क्या पूछेगा। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ऐसे ही मैं दो एग्जाम्पल और लेता हूं, तो क्या है सारी बातें समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगा कि हमको बटरफ्लाई में क्या करना। ठीक है, अभी वोलेटाइल का लिया, फिर नॉन वोलेटाइल का ले दूंगा, मतलब आपको लैंग्वेज बस याद रखना पड़ेगा कि क्या करना। चलो देखते और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लोगे, यही लेते एग्जाम्पल नंबर 2।
अब एग्जाम्पल नंबर टू इस बार ना कॉल वाला लेते ज्यादा अच्छा, तो फिर से लेता हूँ एक्सरसाइज प्राइस 120 ले लेता हूँ, 140 ले लेता हूँ, 160 ले लिया। इसके अलावा कॉल प्रीमियम लेते हैं, कॉल प्रीमियम तो चलो कितना कितना ले लेते, 36 ले लेते हैं, 36, 18 और 10। इसके बाद लैंग्वेज क्या रहेगी आपके पास, लैंग्वेज रहेगी बाइंग अ बटरफ्लाई, और आपको बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, और क्या बोल सकता है आपसे, और कहेगा ड्रा पे ऑफ, पे ऑफ ड्रॉ करना। अब बेटे बाइंग बटरफ्लाई बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे का मतलब बस यही आपको याद करना पड़ेगा, इसका मतलब यहां देखो बाइंग बटरफ्लाई मतलब नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो जब जब भी बाय करोगे तो ये टू माइनस होगा एवरेज वाला, और ये क्या होगा प्लस, चाहे कॉल हो चाहे पुट। तो यहां लिख देता हूं सिंपल लैंग्वेज में, इफ वी बाय बटरफ्लाई मीन्स, इफ वी बाय बटरफ्लाई, इसका मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, राइट टू कॉल ऑप्शंस एट एक्सरसाइज प्राइस कितना 140, इस पर राइट करोगे, राइट करोगे तो पैसा आएगा, कितना पैसा आया भाई 36। इसके अलावा बाय वन कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस 120, पैसा गया। अच्छा दो कॉल ऑप्शन राइट किया तो 18 × 2 हो गया ना, 18 × 2 36, और यहां से गया कितना 18, ये वाला 18 ठीक है, नहीं 36 गया ना भाई, 120 वाला ना 36 गया। और इसके अलावा और क्या किया, बाय वन कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस 160, तो और 10 गया, तो मेरे जेब से गया कितना 10, और इस 10 का नाम क्या, दिस इज इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये आ गया इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब पूछा क्या है आपसे, अब आपसे पूछा है मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस कोई शक ही नहीं है ₹10। और क्या पूछा है आपसे, मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट का वही फॉर्मूला हुआ, डिफरेंस इन एक्सरसाइज प्राइस माइनस मैक्सिमम लॉस। एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस किसी का भी ले लो, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू, नहीं 10 नहीं यार, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 ठीक है। मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट में दिक्कत नहीं, अब क्या बनाना है आपको पे ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं ड्रॉ कर रहा हूं पे ऑफ, ये लो ये हो गया, ये ले लिया और ये ले लिया। अब हमेशा की तरह आपको तीन एक्सरसाइज प्राइस लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं, एक ये ले लेते 120 ठीक है, एक ले लेते 140 ये भी ठीक है, और एक ले लिया 160, दिस एक्सरसाइज प्राइस। अच्छा मैक्सिमम ये 0, मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का हो सकता है 10, और मैक्सिमम लॉस कितने का हो सकता है 10। अब क्या करना, अब समझना नॉन वोलेटाइल है मतलब ऐसा जाएगा पी एफ, तो पक्का ये इधर ये इधर, एक एक्सरसाइज प्राइस यहां यहां, और एक आ जाएगी यहां बीच में ठीक है सर।
अब बीपी कैसे निकाला बेटे, 120 से ये वाला 10 आगे बढ़ाते हैं, तो बीपी यहां निकल के आएगा 130 पर, ये आ गया बीपी 130, और इधर 160 से कम कर देते हैं तो ये आ गया बीपी 150, और उसके बाद बस इसको जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया, ये भी बटरफ्लाई है पर ये और इसमें अंतर है, ये हो गया नॉन वोलेटाइल। इससे पहले क्या था, इससे पहले हमने बनाया था वोलेटाइल, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, कैसे काम करना है, ये सारे के सारे चीज, ठीक। तो ये दो एग्जांपल हो चुके हैं, अब कौन सा एग्जांपल करने जा रहा है, एग्जांपल नंबर 3, दिस इज लास्ट एग्जांपल। तो अब लेते एग्जांपल नंबर 3, एक बार और ट्रायल मारते हैं, एक्सरसाइज प्राइस इस बार लेते 75, 80, 85 और इस बार ले लेते पुट, फिर से पुट प्रीमियम, पुट प्रीमियम, और पुट प्रीमियम 14 ले देते, 14, 8 और 6, ठीक है। अब और क्या बोलेगा, नॉन वोलेटाइल ऑन बटरफ्लाई, आपसे अब क्या बोलेगा, नॉन वोलेटाइल आप बटरफ्लाई, नॉन वोलेटाइल है बटरफ्लाई, मतलब ये वाला हो गया केस। लेकिन इस बार मैं किसके थ्रू करवा रहा हूं आपको, पुट के थ्रू, तो बात खत्म हो जाएगी। हम वही सारी चीजें निकाल लेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस क्या होगा। चलो तो अब पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको सोचना पड़ेगा कि नॉन वोलेटाइल में करते क्या है। सर नॉन वोलेटाइल मतलब ऐसा जाएगा यहां, तो क्या होगा, माइनस कौन से प्राइस पे, एवरेज, तो उसके अंदर क्या क्या चीज होने वाली, वी बाय बटरफ्लाई, नॉन वोलेटाइल मतलब हम बटरफ्लाई, तो हम क्या करेंगे, टू कॉल ऑप्शन राइट करेंगे एट एक्सरसाइज प्राइस कितना 80, तो राइट किया तो पैसा आएगा कितना 16, वन कॉल बाय होकर एक्सरसाइज प्राइस कितना 75, तो पैसा जाएगा कितना 14 रुपए, और एक वन कॉल ऑप्शन बाय होगा एक्सरसाइज प्राइस 85, तो पैसा कितना जाएगा 6, तो 14 और 6 20, 4 रुपया हमारे जेब से गया, ठीक है। तो जो गया है इसको क्या बोलते, इसको बोलते हम इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो फिर वही बात है, अगर आपसे बोलेगा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता, मैक्सिमम लॉस तो सीधी सीधी बात है 4 रुपए, और क्या पूछ सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता, डिफरेंस इन एक्सरसाइज प्राइस 5 - 4 रुपीज 1। अब क्या करना है, अब बस पे ऑफ बनाना है, और पे ऑफ हम बनाने जा रहे हैं, ये लो भाई ये और ये। अब हमेशा की तरह एक्सरसाइज प्राइस 3, 75, 80 और 85, एक्सरसाइज प्राइस एक्सरसाइज प्राइस एक्सरसाइज। अच्छा लॉस कितने का हो सकता, लॉस होता है 4 रुपए का लॉस हो सकता है, और प्रॉफिट कितने का हो सकता, प्रॉफिट हो सकता 1 रुपए का प्रॉफिट, और इधर क्या है 0, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल है तो आपको समझना पड़ेगा ऐसे जाना है वाला है, फिर से नॉन वोलेटाइल, हाँ तो एक डॉट तो इधर आएगा, एक डॉट यहां आएगा और एक डॉट यहां आएगा, ये मिलाया और ये मिलाया,
बीपी 75 से चार ज्यादा करना पड़ेगा, ये चार है ना इधर ज्यादा, तो बीपी कितने पे आएगा सर, बीपी आएगा 79 पर, और इधर से तो यहाँ बीपी आ जाएगा कितने पे, 81 पे, और इसको मिला लेते हैं, तो सीधी सीधी बात है ये बन गया मेरा बटरफ्लाई, ये क्या है बीपी, और ये भी क्या है बीपी, ठीक है। तो कुछ है नहीं है, आपको बीपी का कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, बीपी ऑटोमेटिक आपको पे ऑफ जैसे ही बनाओगे आपको बीपी समझ में जाएगा कि कैसे करना। ऑप्शन स्ट्रेटजी के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, पर हमारे सिलेबस में इसलिए मैंने कवर करवा रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटजी के चक्कर में बाकी डेरिवेटिव खराब नहीं करोगे, ठीक है। भले इसको आप बाद में कवर करना, सबसे लास्ट में इसको कवर करना चल जाएगा, पर फ्यूचर पहले कवर कर लेना, ऑप्शन की वैल्यू बायनोमियल वगैरह सबसे पहले कवर करोगे, ठीक है, ओके।